कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अहम बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद कर रहे हैं, जिसमें कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बात हो रही है। इसके अलावा सभी राज्यों के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की नीति पर भी बात होगी। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक खबरें आई हैं। ऐसे में देश में इस पर मंथन शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। साथियों, सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि युवाओं के लिए 16, 17, 18 साल की उम्र जब वो 10th, 12th में होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है। 16, 17, 18 की ये उम्र किसी युवा लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अभी 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया है। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से 70वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। अब इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी। मुझे विश्वास है अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसलिए मैं ये 16, 17, 18 का महत्व आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। देश के सामने कितना कुछ है जो हमें इस दौरान हासिल करना है।